मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड के सभी जगहों पर भारत बंद के समर्थन में मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कृषि बिल का विरोध किया गया। आपको बता दें, मधेपुरा जिले में मुरली चौक, बस स्टैंड, ब्लॉक गेट, हॉस्पिटल, बाजार, रामनगर, केलाबाड़ी और साथ ही आरजपुर रोड को 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक जाम कर दिया गया था। जाम स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राजनेता सर मनरेगा मजदूर के राज अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने कहा, नोटबंदी, जीएसटी, देशबंदी और कृषि कानून बनाकर किसान और आवाम पर हमला किया जा रहा है। किसान व कृषि को कंपनी राज्य के खाले करने उम्दा है। वहीं बंद की अभूतपूर्व सफलता ने साबित कर दिया है कि देश कंपनी राज्य के खिलाफ निर्णायक जंग जारी रहेगी। आज हम लोग किसानों के जो अहित में कानून बनाया गया है उसके साथ हम लोग खड़े हैं। जब तक इस काला कानून को, किसान विरोधी कानून को, जब तक ये मोदी सरकार वापस नहीं ले लेती है, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेते हैं, तब तक हमारी ये पार्टी, हमारा ये महागठबंधन, ये हमारी जितने भी ट्रेड यूनियन है, जितने भी किसान हैं, और खास करके आज जो इसमें किसान मजदूर सबसे ज्यादा भाग लिए हैं, और इसमें सभी पार्टियों का जो है आज इस भारत बंद में हमारा जो है साथ है, और सभी किसान हम लोगों के साथ है, और किसान मजदूर जो है एकता हम लोगों का जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।